सुनिए जी, तेरी पंडित जी को फोन करके पूछे कहाँ तक पहुँचे, खुदा लेट कर रहे हैं अपने। हेलो, हाँ चिंकी, कहाँ पहुँचे बेटा? अच्छा आओ 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 आओ। चिंटू, तेरी मौसी फोन करके पूछो कहाँ तक पहुँची है, उनको रास्ता बताना पड़ेगा। अरे पापा से तो बुआ से भी पूछ ले कहाँ तक पहुँची, आज लेट पे लेट होगा। कहाँ बोले हो बाल नहीं छिलवाओगे, तुम्हारा बिया नहीं थाने जो बाल नहीं छिलवाओगे, बाल छिलवाना पड़ेगा, ठंडी टाइम है, टोपा पहने रहना, बाल बढ़ जाएगा। सुनो चिंटू, जब तुम गुस्सा के भागोगे तो जीजा जी और फूफा जी तुमको जाएंगे मनाने के लिए, तो जब मनाएंगे तब मान के आ जाना, इन्हें कि गुस्सा भाग जाना घर, ये रसम होता है। चिंकी, तुम काहे भीख डालने का सामान लाई हो, बहन बेटियों का भीख नहीं लिया जाता है, चलो हम डबल करके दे देंगे वापस। चलो भैया, जनेऊ अच्छे से संपन्न हुआ, तनी देखा जाए का भीख चढ़ा है। हई खरिया, तुम्हारी मौसी दी है, देख लो कितना भारी है। हई चारी खाली, तुम्हारे मामा लाए हैं, देख ले सब लोग हमारे मायके का सामान। हई देखिए हई, हमारी मम्मी अलग से देखे गई हैं, कोई बोल के तो देखे हमारे मायके वालों को, देख रहे वजन, और सबके साथ एक एक सेट कपड़ा और एक एक टोकरी फल, एक एक 1000 रुपया वो देखे गई हैं, देख लो सब लोग। हई देख लो हई, तुम्हारी बुआ देखे गई हैं स्टील एक थरिया, उनसे कह दिए थे कि बहन बेटियों का नहीं लिया जाता है, तो ऐसा देखे गई हैं कि हम वापस भी नहीं कर सकते हैं, अभी कुछ कह देंगे तो मेरे पापा का मुँह फूल जाएगा, कौन जरूरत है थरिया ना देती, इससे बढ़िया नई साड़ी दे रहे हैं बुआ सास की बहू को, उन पे रंग अच्छा लगेगा। हई साड़ी दे रहे हैं बुआ सास को, देख लीजिए साड़ी, हई दीदी को दे रहे हैं, 2000 का साड़ी है, तो कह देंगे हमारी बहन को कुछ दे देती हो, सारे जेंट्स को 1000 का लिफाफा दे देंगे और बच्चों को 5-5।